नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज। खबर दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र की है, जहां नौबतपुर के पूर्व जिला परिषद राकेश उर्फ गुड्डू सिंह का शव उनके फ्लैट से संदिग्ध परिस्थिति में बरामद किया गया है। बताया जाता है कि गुड्डू सिंह वर्तमान में नौबतपुर के टिस्खोरा के वार्ड सदस्य भी हैं। गुड्डू सिंह रूपसपुर थाना क्षेत्र के विश्वेश्वरैया नगर में साकेत सदन के फ्लैट नंबर 102 में रहते थे। उसी फ्लैट में उनका शव बरामद किया गया है। शव जहाँ जिस कमरे से बरामद किया गया है उसके आसपास खून के धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। उनका कहना है कि इनकी हत्या की गई है। घटनास्थल पर जानकारी के बाद रूपसपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची, साथ ही दानापुर एसपी अभिनव धीमन भी पहुंचे हैं और मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी मामले की तफ्तीश चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से हत्या की गई है। फिलहाल घटनास्थल पर जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। एफएसएल की टीम भी जांच में जुट गई है। मामला संदिग्ध लग रहा है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। उसकी जांच पुलिस कर रही है। बताया जाता है कि काफ़ी दिनों से यह यहाँ रह रहे थे। इनका किनके साथ उठना बैठना और घर पर आना जाना था, सभी की तफ्तीश होगी। आसपास के सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। लास्ट में कौन आया था? 11 बजे गेट बंद हो जाता है, तीनों बंद कर दिए। उसके बाद खाना उना खा लिए, समझे। और 1:25 में लाइन कटा, 10 मिनट हम लाइन आ गया 10 मिनट में, समझे कि नहीं। उसके बाद 4 बजे, 4 से कुछ पहले साहिल का दोस्त आया। क्या नाम था उनका? ओकर नाम हमने नहीं बता सकते हैं क्या नाम है। और उसके बाद में गेट खुलवाया, गेट खोले। उसके बाद में वो कहा कि अभी खुले रहने दीजिए कि हमारा और लोग आ रहे हैं। हम पूछे कि आखिर क्या हुआ, कुछ हुआ? तो कहा कि चोरी हो गया। हम कहें कि चोरी कैसे हो गई जाएगा? 1 बजे ही बात नहीं, ये 4:15 का बात का, हाँ 4 के कह रहे हैं। उसके बाद में उनका चाचा आया, वो जब आए तो ऊपर गए, ऊपर से आए तो हम पूछे क्या हुआ है, क्या समाचार है। तो वो कहे कि गुड्डू जी नहीं है, यही बात उनसे हुआ। कहे कि ब्रेन हमने धो लिया, क्या हो गया। कितना बजे उनका डेट हुआ बताया होगा? तो वो हमसे नहीं बताया। यानी 11 बजे आपने गेट बंद कर दिया सारा? 11 बजे सारा गेट हम 11 बजे के बाद कौन आया कौन गया ये सब आपको पता आपको नहीं पता होता? नहीं, जगले तो है ये थे। जगले? हाँ। मतलब जगले कैसे कोई आया, कैसे कैसे उनको मार दिया आपको जब पता नहीं चला? आप जगे हुए थे, कैसे आ गया, कैसे गया उसमें आपको जब पता ही नहीं है? आपका नाइट शिफ्ट आप ही का रहता है ना? अरे हम 2 दिन से हैं। 3 दिन? अच्छा, 2 दिन से। तो पूरा रात तो आपको देखना होता है सुरक्षा के लिए? तो हमने ओहो, तो देखिए ना कमरों में हम 2-2:30 बजे तक घूम घूमते कैमरा में, कैमरा में गायब है, यूवीआर सब गायब है, कैमरा का तो कुछ है ही ना, सब लेके चल गए। तो भी चला हुआ सीढ़ी से या लिफ्ट से? वो भी चोरी करके ले गया। इधर कमरा होगा ना, इसमें रात ही का नहीं? रात में कुछ खटपट का आवाज़ आया आपको? नहीं, कुछ नहीं। गोली उली चलने का आवाज़ आया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। एगो इस पर ढेला गिरा, इस पर तो इन गार्ड के कहते तुम बुलाए, हम कहें चूना देखिए, पर ढेला गिरा है, ढंग दर्शन किया है। उसके बाद में चारों पट्टी हम लोग घूमे, लेकिन कुछ नहीं। आपको घूमने से क्या फ़ायदा हुआ? वहाँ तो आदमी को आया मार के चल गया, आपको तो पता ही नहीं। आप किस तरह से सुरक्षा कर रहे थे कि जब आपको पता ही नहीं चला कि इस अपार्टमेंट में कौन आया कौन गया? क्या लगता है कि इसका जिम्मेवार आप भी हो सकते हैं? हम तो नहीं देखे कि आदमी आया गया। पुलिस आपसे पूछताछ की अभी तक? हाँ। क्या बोले? हमें यही बात बताए, यही बात बताए। नाम बताइए, नाम अपना नाम बताइए और एज बताइए। राम इकबाल से। एज क्या और आपका? एज 65 तक हो। अच्छा, 65 साल। कहाँ के रहने वाले हैं? ऐसे तकिया पर रहते हैं, दियर में घर है। अच्छा, दियर में घर। क्या लगा उस सरयंत्र तो है सर, बिना षडयंत्र के पैसा हुआ आपको नहीं। जानकारी कैसे प्राप्त हुआ? गाँव में खबर गया था, आदमी पूछताछ किया था। खबर कौन?
अब एक आदमी नाम था अभय सिंह, वही हमारे मोहल्ला में आए तो कहे कुछ जानकारी है, हम कल की जानकारी ना है, वही वही बात को बोले तो हमका बड़ा भाई भी फोन लगाए। इनका कहीं दुश्मनी उश्मनी भी था क्या किसी से? अब सर डायरेक्ट तो अब नहीं उनको बता सकते हैं, लेकिन षडयंत्र अब तो परिवार ने उनका बता सकता है। कितना बजे पता चला? हम सवेरे उठे हैं करीब, लगता है कि 5:30 के करीब। हत्या कब हुई? अब रात के दिन घटना है। रात में आसपास कितना? अब तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन रात का घटना है। 11 बजे के बाद लगता है कि घटना हुआ होगा। हाँ, इलेक्शन के बाद जिला परिषद जीतबो किया है। आपके पूछे थे सर, तिसखोड़ा क्या लग रहा है इसको, कितने क्या कुछ किया है? हाँ षडयंत्र तो है, बिना जाना पहचाना है। अब तो इस पर पता, कैमरा काम नहीं कर रहा है, सब अथी जायदे है देख रहे हैं, वो सब रहता तब ना सही निचोड़ आता। आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा सुनील कुमार नाम है। वहीं के निवासी रहें? बस बगले में एक घर के सटले घर के बगल में ही आपका घर।